Ratna Bhushan, welcome to the program ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment and success. We believe in success, we believe in hard work, we believe in consistency. उन्नति कैसे करें, उन्नति कैसे करें, स्वेट मॉडर्न की किताब उन्नति कैसे करें, पार्ट फोर उन्नति कैसे करें। माइकल एंजेलो ने राफेल के विषय में लिखा है, यह व्यक्ति अत्यंत स्नेही आत्मा का स्वामी था। जो प्रसिद्धि उसने प्राप्त की उसका कारण केवल बुद्धिमत्ता न था जितना कि परिश्रम। परिश्रम पे हम लोग बात कर रहे हैं इस समय। राफेल से किसी ने पूछा कि आपने ऐसे अनोखे काम किस प्रकार दिखा है, तो उसने उत्तर दिया, बचपन ही से मेरा यह सिद्धांत रहा कि मैं किसी की बात की उपेक्षा नहीं करता। यह कलाकार जिसकी मृत्यु पर समस्त रोम ने दुख प्रकट किया और पोप तो सचमुच फूट फूट रोया, केवल 37 वर्ष तक संसार में जीवित रहा। यह 227 चित्र और 500 से अधिक नक्शे खाके रच गया। माइकल एंजेलो, उसके कुछ चित्र ऐसे थे कि एक एक का मूल्य हजारों लाखों तक आका गया। सुस्त स्थिल युवकों के लिए इसका लघु जीवन कितना प्रेरणाप्रद है। रुबेन्स जब विख्यात और धनी मानी हो गए तो किसी रसायनवेत्ता ने उसे बार बार आग्रह किया, आओ हम मिलकर सामान्य धातुओं से सोना बनाए। उस रसायनवेत्ता को तो विश्वास हो गया था कि रुबेन्स को इस विधि का ज्ञान है। उत्तर में कहा, तुम 20 साल बाद में आए हो, मुझे तो इस विधि का ज्ञान बहुत पहले हो गया था। रंगों और तुलिकाओं की ओर संकेत करते उसने बताया, जिस वस्तु को मैं इनसे छू देता हूँ वही सोने ढल जाते हैं, जिस वस्तु को मैं इनसे छू देता हूँ वही सोने में ढल जाती है। मैल से जब चित्रांकन करता था तो सर्वदा अपनी कला में लीन हो जाता था। वो प्रायः कहा करता था, मैं हल चलाने वाले किसान की अपेक्षा अधिक परिश्रम करता हूँ। सभी बालकों को मैं यही सम्मति देता हूँ कि वे काम में जुटे रहें। सभी लड़के विशिष्ट योग्यताओं के धनी तो नहीं बन सकते, पर काम सभी तरह के कर सकते हैं। काम के बिना उत्तमोत्तम बुद्धि वाला भी बहुत कम लाभकारी सिद्ध होगा। पीटर महान चाहे एक विशाल साम्राज्य, पीटर महान रशिया के बहुत बड़े रूलर थे, पीटर महान चाहे एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु उसने कठोर परिश्रम से तख्तो ताज प्राप्त किया। अन्य किसी सम्राट ने ऐसा नहीं किया होगा, मगर उसने तो अपना राजसी वेश उतार कर मजदूरों वाला लिबास पहना। यह देख कर कि रूप में प्रगतिशील कला व्यापार का लोगों को ज्ञान कम है, उसने स्वयं को शिक्षित करके अपनी प्रजा की स्थिति को उबारने का संकल्प उठाया। 26 वर्ष की जिस आयु में प्रायः राजाधिकारी विलास वैभव में डूब जाते हैं, यह व्यक्ति विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। इसे सुख यात्रा नहीं कठोर श्रम यात्रा कहना चाहिए। हॉलैंड में उसने जहाज निर्माण में शिष्यता अपनाई। इंग्लिस्तान में कागज साजी, लकड़ी चीरने, रस्सा बटने के कारखानों और घड़ी साजी की दुकान में वह काम करता रहा। वहाँ उसने न केवल अपने ध्येय में पूर्ण रूप से मनन किया, बल्कि सामान्य श्रमिकों की भांति उसने वहाँ काम किया और वहीं उन्हीं जैसा व्यवहार भी सहन किया। उसने इस्तिया में महान महीना भर मूलर की भट्टियों पर लोहे का काम सीखा और महीने के अंत में 18 पूड लोहा भट्टी में ढालकर उस पर अपना निशान लगाया। रूस के कुछ अमीर जो उसके साथी थे शायद यह न समझ सके हों कि यह काम कितने परिश्रम का था। उनको भी कोयला लाने और धौकनी चलाने का काम करना पड़ा। मूलर ने उनसे पूछा कि एक पूड लोहा ढालने वाले मजदूर को कितना परिश्रम मिलता है, तो पता लगा कि 3 कोपेक या 1 एल्टीना। फिर भी पूलर ने सहायक को 18 डकेट दिए। तब पीटर ने कहा, अपने डकेट अपने पास रखिए, क्योंकि मैंने अन्य कारीगरों की अपेक्षा कोई अधिक या उत्तम काम तो किया नहीं। जो कुछ आप दूसरों को देते हैं मुझे भी वही दीजिए। वास्तव में पीटर ने जूते पहन रखे थे, वह पहले ही मरम्मतशुदा था और उसमें कई जगह छिद्र बन गए थे। नया जोड़ा खरीदकर बड़े स्वाभिमान से कहा, यह जोड़ा मैंने माथे पर से पसीना बहाकर खरीदा है। पीटर द्वारा ढाली गई लोहे की सलाखों में से अब भी मूलर के कारखानों में सुरक्षित है और उस पर पीटर की निशानी मौजूद है। इस तरह की सलाख सेंट पीटर्सबर्ग के अजायब घर में रखी हुई है, जो कि एक श्रमिक सम्राट की प्रेरक यादगार है, जिसे देखकर रूसवासियों को जार से लेकर मजदूर तक सभी को तब तक प्रेरणा मिलती रहेगी जब तक रूस साम्राज्य रहेगा।
जब तक रूस साम्राज्य रहेगा। अगर दुर्भाग्यवश आप यह सोच बैठे हैं कि आप में ईश्वर प्रदत्त कौशल का भंडार है और तब सब बातें स्वयमेव सिद्ध होती जाएंगी, तो आप इसके भ्रामक धारणा को यथासंभव दिमाग से हटा दें और संकल्प करें कि आप जो वस्तु प्राप्त करेंगे अपने श्रम से करेंगे। तो जो भी चीज़ प्राप्त करना है अपने श्रम से करना है। श्रम का यह मूल्य आज ही अदा करना शुरू कर दें। निकम्मी बुद्धिमता की इतनी ही कीमत है जितनी की शाहबलूत के जंगल में बीजों से भरी थैली की। तो मेरे दोस्तों, आज से श्रम को बन अपना लें। श्रम ही है जो आपको उच्च शिखर पर ले जाएगी।